चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाइयाँ हो या हो कोई भी घर का अन्य सामान, और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी, अभी डाउनलोड करिए बिग ब्लिस ऐप। बिग ब्लिस ऐप पहुंचाएगा सारा सामान 10 मिनट में। बिग ब्लिस ऐप है खुशियों की अपनी दुकान। भारत में कपास की कमी के अनुमान के बीच दक्षिण भारत मिल संघ SIMA ने सोमवार को केंद्र से मध्यम स्टेपल वाली कपास की 40 लाख गांठ के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देने का अनुरोध किया। SIMA ने रोजगार के नुकसान से बचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कपास नीतियों में हस्तक्षेप करने की अपील की है। SIMA के अध्यक्ष का कहना है कि चालू सत्र के दौरान देश ने अब तक अधिशेष कपास का उत्पादन किया है और वह बांग्लादेश सहित विभिन्न देशों को इसका निर्यात कर रहा है। चालू सत्र के दौरान मांग बढ़ने और करीब 50 लाख गांठ के निर्यात की उल्लेखनीय वृद्धि के कारण देश को 30 से 40 लाख गांठ कपास की कमी का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि एक वर्ष में घरेलू कपास की कीमत में 135 रुपये प्रति किलोग्राम फरवरी 2021 के स्तर से 219 रुपये प्रति किलोग्राम फरवरी 2022 की अभूतपूर्व वृद्धि निर्यातकों की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में आड़े आ रही है। उन्होंने कहा कि 11% आयात शुल्क लगाने से भारत के कपास बाजार में तेजी आई है। चूंकि कपास का बीज मूल्य MSP से लगभग 70% अधिक है, इसलिए किसान और व्यापारी कीमतों में और वृद्धि की उम्मीद में कपास की जमाखोरी कर रहे हैं। ताजा कपास की आवक फरवरी के दौरान लगभग 220 लाख गांठ रह गई है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह लगभग 293 लाख गांठ थी। बाजार में आई 220 लाख गांठों में से लगभग 150 लाख गांठों की मिलों ने खपत कर ली है। 30 लाख गांठों को निर्यात के लिए अनुबंधित किया गया है। 15 से 20 लाख गांठे पाइपलाइन में हैं और लगभग 20 लाख गांठे व्यापारियों और गिनर्स के पास हैं। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।